हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंट्राडे आइडिया में, जिसमें आपको डेली मार्केट और स्टॉक्स का अपडेट दिया जाता है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में साइड में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले, जिससे तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और डेली इन वीडियो से कुछ सीख रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को पूरा देखें, एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल 18 अक्टूबर के लिए बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में। पहले एक नज़र आज के मार्केट पर। आज मार्केट कुछ नेगेटिव पॉइंट के साथ सपोर्ट पे ओपन हुआ और 17,100 के सपोर्ट से एक अच्छा बाउंस लिया। मार्केट पूरे दिन बुलिश ट्रेंड में नजर आया और इस सपोर्ट लेवल से करीब 130 पॉइंट की मूवमेंट दिया और 17,350 के रेजिस्टेंस पे जाकर पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ क्लोज हुआ। आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद आइए देख लेते हैं कल 18 अक्टूबर के लिए मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चैन के डेटाबेस से क्या निकल के आ रहा। अगर कल 18 अक्टूबर को निफ्टी में ऊपर के तरफ 17,350 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम कॉल्स बाय कर सकते हैं, और अगर निफ्टी 17,200 के डाउन साइड ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम पुट बाय कर सकते हैं। इसी तरह बैंक निफ्टी में ऊपर के तरफ 40,000 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम कॉल्स बाय कर सकते हैं, और अगर बैंक निफ्टी 39,600 के डाउन साइड ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम पुट बाय कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आगे वीडियो में दिया है, आप नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज के स्टडी के लिए हमने कल 4 स्टॉक दिए थे, एस्कॉट, दूसरा एसबीआई लाइफ, तीसरा इंडिया सीमेंट और लास्ट एचसीएलटेक था। आज मार्केट नेगेटिव सपोर्ट पे ओपन हुआ। हमारे 3 कॉल्स सेल साइड और 1 बाई साइड कॉल्स था, जिससे एचसीएलटेक और इंडिया सीमेंट मॉर्निंग में ही हमारे लेवल को केवल ट्रिगर कर स्टॉप लॉस हिट किया, और एस्कॉट एंड एसबीआई लाइफ में से एस्कॉट ने 8 पॉइंट और एसबीआई लाइफ ने 10 पॉइंट का मूव देकर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट किए। इस समय मार्केट में ज्यादा वोलेटाइल है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें, साथ में आप लोग प्रॉपर रिस्क एंड स्मॉल क्वांटिटी के साथ प्रैक्टिस करें। इन स्टॉक्स के लेवल कल के वीडियो में देख सकते हैं, और हाँ, अगर आप लाइव कॉल्स चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से इंट्राडे आइडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और सीखें। मैंने कल 18 अक्टूबर के लिए बेस्ट 4 स्टॉक्स सिलेक्ट किया है, जिसमें पहला कोटक बैंक, दूसरा एक्सिस बैंक, तीसरा बाटा इंडिया और लास्ट एस्कॉर्ट है, जिनके लेवल्स आगे दिए हैं देख सकते हैं, और चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे, तब तक आप वीडियो में बने रहे। मेरा पहला स्टॉक है कोटक बैंक। कोटक बैंक को मैं 1865 के ऊपर बाई करूंगा और स्टॉप लॉस 1848 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को मैं 820 के ऊपर बाई करूंगा और स्टॉप लॉस 812 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। मेरा तीसरा स्टॉक है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया को मैं 1842 के ऊपर बाई करूंगा और स्टॉप लॉस 1825 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। मेरा लास्ट स्टॉक है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट को मैं 1960 के नीचे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस 1980 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। इसी तरह अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे तुरंत आपको अपडेट मिल सके।